विकास के पथ पर आगे बढ़ता गढ़वा महज 5 साल में बदली है तस्वीर गढ़वा विधानसभा की, और इस तस्वीर को बदला है यहाँ के विकास पुरुष माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने। एक समय था जब गढ़वा विधानसभा राज्य ही नहीं देश का सबसे पिछड़ा विधानसभा था। न सड़कें थीं, न स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यटन की असीम संभावनाओं के बाद भी एक पीछे छूट गया विधानसभा था गढ़वा। शिक्षा, खेलकूद, सिंचाई, हर मामले में 5 साल पहले तक गढ़वा एक पिछड़ा इलाका था। गढ़वा की इस भयावह स्थिति को समझा लोकप्रिय विधायक सह माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने। गढ़वा अभिशप्त विधानसभा, अभिशप्त जिला था। यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को अपना गुलाम समझते थे, कहते थे कि जैसे चाहेंगे यहाँ की जनता को रखेंगे, लेकिन वोट तो हमें ही देना पड़ेगा। गढ़वा में ना बिजली की स्थिति अच्छी थी, ना बिजली यहाँ 4 घंटे शहर में 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी यहाँ 2017 में कहकर गए थे बड़ी बात कि 2018 में अगर 22 घंटे 24 घंटे बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं बता दूं कि पहले लोगों का चप्पल घिस जाता था प्रखंड मुख्यालयों के चक्कर लगाते लगाते, और वृद्धा पेंशन की आस में लोग ईश्वर को प्यारे हो जाते थे। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि सरकार जनता के बीच गई, सरकार के अधिकारी जनता के बीच गए, जनता को प्रखंड मुख्यालयों या पंचायत भवनों का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। किलोमीटर अब अंदाजा लगा, एक बार चेन्नई जाकर यहाँ से वापस आ सकते वापस आ जाएंगे। बहुत बड़ा, इतना बड़ा आंकड़ा, ये स्थिति थी। तो आज पूरे भारतवर्ष में किसी भी विधायक को ये श्रेय नहीं जाता होगा कि अपने एक कार्यकाल में 1300-1400 किलोमीटर सड़क बनाने का, मैं 1300 किलोमीटर से अधिक सड़क हमने बनवाने में सफलता पाई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज एक एक कहीं जाने के लिए लोग 4-4 रास्ते से आ जा सकते हैं। पहले कहीं जाने के लिए हम लोगों को किसी गांव में बुलाया जाता तो हम कहते थे कि शहर सड़क पे आ जाओ, मेन रोड पर आ जाओ, वहां बात कर लेते हैं, क्योंकि सड़क नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी, ये स्थिति थी। आज चमचमाती सड़क चारों ओर आपको मिल रही, काफ़ी सुविधा लोगों को मिला। पीने का पानी, साल 2020 से पहले पूरे गढ़वा विधानसभा में मात्र 2185 घरों में नल से जल आपूर्ति थी। आज श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के प्रयासों से 90,000 से अधिक घरों में नल से जल आपूर्ति की जा रही है।
हमारे अभी गढ़वा जिला में बहुत पिछड़ा हुआ था। बीजेपी का अभी आया शासन, 10 साल रहा, कुछ नहीं हुआ। आरजेडी माननीय गिरिनाथ सिंह पूर्व मंत्री थे, वो भी किए, पर ऐसा विकास नहीं किए। हर चीज़ के लिए माने बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बिजली हो गया, पानी पाइप बहुत दौड़ाए हैं, अभी पानी टंकी भी लग रहा है, पानी के लिए भी दिक्कत नहीं है। कृषि प्रधान जिला गढ़वा की मांग हमेशा से सिंचाई की रही है। सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई योजना सिर्फ गढ़वा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। इस पाइपलाइन के बिछ जाने से जिले के 16 प्रखंडों को लाभ मिलेगा। शहर में अच्छे अच्छे लोग जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो लोग पलायन को मजबूर हो जाते थे गर्मी के दिनों में। मैं 12-12 10-10 टैंकरों से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, और मैं शहर की जनता को, ग्रामीण जनता को शादी ब्याह में मैं टैंकरों से पानी उपलब्ध कराता था, और यहाँ की स्थिति मैंने बहुत करीब से देखी थी। और जैसे ही मैं विधायक बना, सौभाग्य से मुझे मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और ऊपर सोने पे सुहागा मुझे पेयजल मंत्री बना दिया गया। पहले मैंने शहरी जलापूर्ति योजना शुरू करवाई, उसमें भी अधूरा DPR बना था पिछले, उस DPR को भी मैंने विस्तारित, ये DPR बनवाकर वो भी सैंक्शन करवाने में लगभग हम सफल हो गए हैं। जो दूर दराज के जो हमारे जो शहर का विस्तार हुआ है वहाँ छूट गया था, उसमें भी काम हो रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि कि माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर कि जल जीवन मिशन अभी उसको पूरा होने में काफ़ी समय लगेगा, और पूरे राज्य की जनता को अभी शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है। हम लोगों ने 15-15 चापाकल प्रति पंचायत देने का काम किया, और उससे बहुत राहत लोगों को मिली है। रांची से 210 किलोमीटर दूर है गढ़वा, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी कोसों दूर था गढ़वा। इसका मुख्य कारण यहां से हुए पूर्व के जनप्रतिनिधि, जिनके लिए शिक्षा व्यवसाय थी। माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शिक्षा को गंभीरता से लिया। हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना लागू किया कि बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ कहलाती थी, जो गरीब तबके के लोग हैं, 6ठी 7वीं क्लास पढ़ाकर अब बेटियों को घर में बिठा देते थे। हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ली अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, कि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो माता पिता की गरीबी के कारण। हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना लागू किया, जिससे भी इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिला, और दूरगामी प्रभाव इसके पड़ेंगे राज्य के विकास में, क्योंकि अब हम सब सारी बेटियां हमारी शिक्षित हो रही हैं, अब कोई ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है। और हम लोग अपनी बेटियों को क्लास 8 से 12 तक में 20,000 रुपये दे रहे हैं, और जैसे ही हमारी बेटी 12th पास करती है, 19 साल की उम्र में की दहलीज में अपना कदम रखती है, हम लोग एक मुफ्त 20,000 रुपये देते हैं। तो 40,000 रुपये 8th to 12th में हम लोग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हम लोगों का कदम है, जिससे हमारी बेटियां, जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी, हमारा समाज शिक्षित होगा, तो हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। विधानसभा के 3 विद्यालयों को CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय बनाए गए, महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज, छात्रावास जैसे कई शिक्षा के मंदिर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बनाए। बड़ी विडम्बना की यहाँ एक हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए महिला कॉलेज नहीं था, हम लोगों ने महिला कॉलेज यहाँ बनवाने का काम किया। अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय हम लोगों ने बनवाने का काम किया, पिछड़ों के लिए आवासीय विद्यालय हम लोगों ने बनवाने का काम किया, रंका में डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया, आदिम जनजाति हम लोगों ने हॉस्टल बनवाने का काम किया, आदिम जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय हॉस्टल बनवाने का काम किया। अभी 36 करोड़ की लागत से हम लोगों ने मेराल में डिग्री कॉलेज अभी उसका हम लोगों ने शिलान्यास किया है, बहुत जल्द वो भी बनकर पूरा होगा। स्वास्थ्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार जब सत्ता में आई, तब दुनिया की सबसे भयावह महामारी फैल गई, COVID-19। गढ़वा का सदर अस्पताल उस समय शायद राज्य का सबसे कम संसाधनों वाला अस्पताल था। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने
त्वरित निर्णय लिया और पूरे सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया। आज गढ़वा के सदर अस्पताल में 500 बेड का नया अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने आज सदर अस्पताल की स्थिति ऐसी थी कि कोई गेट के अंदर जाना नहीं चाहता था। आज सदर अस्पताल में आपको जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे हम लोगों ने CHCs बनवाए। CHCs में आप चले जाएंगे तो लगेगा कि किसी हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ गए हैं। इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। आपको स्टैंड बाई में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, 200 KVA के DG सेट लगे हुए हैं। हम लोगों ने 50-50 करोड़ के बिल्डिंग यहाँ बनवाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। ऑक्सीजन से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए वो भी एक मील का पत्थर है। गढ़वा एक ऐतिहासिक जगह रही है, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण। यहाँ खुणहर नाथ मंदिर का कायाकल्प माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने ही किया। मंदिर की चार दीवारी, चारों ओर सड़क, विद्युत व्यवस्था, मंदिर परिसर में विवाह भवन और कई सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई। तो बाबा खुनहर में भी हमारा आज देख रहे हैं कि कभी कुछ नहीं हो पाया, जो था वो था, लेकिन आज देखिए, आज आपको बैठने उठने का साधन हो गया, गेट का व्यवस्था हो गया, मंदिर में अंदर अच्छा अपना सब कार्य चल रहा है, शादी ब्याह तक होने लगा। आज हमारे जो भी विधायक हैं या मंत्री, उनको कहा जाए, मंत्री का पोस्ट भी उनको मिला है, तो वो अपना काम करते के साथ, मतलब करने के साथ, वो जो पहले का काम था वो भी काम बहुत फास्ट में करवाए हैं। काम तो ऐसे इतना है कि गिनवा नहीं पाएंगे हाथ पे, मगर 271 काम हमारा अभी तक का हो चुका है। ये अन्नराज डैम है। पहले यहाँ लोग दिन में भी आने से डरते थे, आज ये इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड शान है गढ़वा की। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है। इस खूबसूरत पार्क की रोशनी आज गढ़वा विधानसभा के विकास की कहानी बयान करता है। गढ़वा शहर का ये टाउन हॉल, झंडा चौक, बस स्टैंड, घंटा घर, समरणालय, ये सब पिछले 5 सालों में ही हुआ है। आदि शक्ति माँ गढ़ देवी मंदिर, जिनके नाम पर इस शहर का नाम गढ़वा पड़ा, काफी समय से उपेक्षित था। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस पवित्र मंदिर को एक भव्य द्वार दिया। अभी 3-4 महीने हुए मुझे पर्यटन मंत्री बने हुए। हमने बहुत सारे यहाँ के जो स्थल हैं जहाँ सामाजिक संस्कार होते हैं, हिंदू समाज के बहुत सारे ऐसे, मुस्लिम समाज के भी स्थल हैं जहाँ उनके संस्कार होते हैं, उनको सूचीबद्ध करवाने का काम किया, अपग्रेड करवाने का काम किया। डी श्रेणी के जो सूचीबद्ध स्थल थे उनको हमने बी श्रेणी में करवाने का काम किया, सी श्रेणी को ए श्रेणी में करवाने का काम किया। गढ़देवी मंदिर में हमने वहाँ गढ़देवी मंदिर निर्माण समिति के आग्रह पर हमने वहाँ का गुंबज लगवाने का काम किया, हमने विशाल वहाँ तोरण द्वार बनवाने का काम किया। आज अन्नराज चले जाइए, आप जाकर जरूर देखिए अन्नराज डैम। वहाँ लोग दीन में जाने से डरते थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, दीन से जाने का रास्ता नहीं था, जंगल झाड़ थे। नक्सल तो बहुत पहले खत्म हो गया, नक्सल तो मैं कहता हूँ कि 2012-13 में खत्म हो गया, रास्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लोग डरते थे जाने के लिए वहाँ। आज जाके देखिए कि वहाँ कैसी लाइन लगी रहती है, कितने पर्यटक आते हैं। आज वहाँ बोटिंग की सुविधा हो गई है, वहाँ अच्छा डेवलपमेंट कर दिया गया है। मैंने अपने विभाग से वहाँ एक इंस्पेक्शन बंगलो बनवा दिया है। परिवर्तन तो है, पहले से बहुत परिवर्तन है। ये जो काम किए उन लोग 10 साल रह के, कोई 17 साल ही 5 साल में वो काम किए हैं, हकीकत तो देखने वाली चीज है, हम ही नहीं सब लोगों को दिख रहा है। मंत्री जी के कार्यकाल में हम लोग खुश हैं, सही हैं, सब कुछ अच्छा है। बहुत सारा सर उपलब्धियां जो है कि मंत्री जी के माध्यम से
बहुत अच्छा है और हम उनका हृदय से सर नमन करते हैं। ये बात तो अब जग जाहिर है कि समाज, राज्य और देश को विकसित करना है तो सही व्यक्ति को चुनना है। धर्म, जात, संप्रदाय से ऊपर उठकर सही व्यक्ति को चुनना है, जो आपके बारे में सोचे, जो आपके बच्चों के भविष्य को बनाने में आपका साथ दे, जो गढ़वा को देश के सबसे पिछड़े विधानसभा से खींचकर सबसे आगे की कतार में खड़ा करे, वो नाम है मिथिलेश कुमार ठाकुर। इस विधानसभा चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट मिथिलेश कुमार ठाकुर को दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष पर बटन दबाकर मिथिलेश कुमार ठाकुर के विकास के काम को मजबूत करें और झारखंड को आगे बढ़ाएं।